आम इंसान की आम कहानी है। राधिका का अपनी मम्मी के साथ जो इक्वेशन है वो बेस्ट फ्रेंड जैसे है, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कहानी है जो अब तक हमने शायद टेलीविजन में कभी नहीं दिखाया होगा। इस कहानी की फ्रेशनेस, इस कहानी की जो रिलेटेबिलिटी एस्पेक्ट है कि हर इंसान इसे रिलेट कर सकता है, एक आम इंसान की आम कहानी है और उसी में सारी खूबसूरती। आई थिंक ये एक टेलीविज़न के सारे शोज़ में से एक ऐसा शो है जो स्टैंड आउट करने वाला है, तो इस बात को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। ये फीमेल माइग्रेशन पे है। एक लड़की अपने घर से, अपने प्रोटेक्टिव स्पेस से, अपने फैमिली को छोड़कर एक दूसरे शहर जा रही है, अपने घर से दूर, अपने सपने पूरे करने, अपने फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल करने। ये मेन हाईलाइट है शो का। लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, इसके इस शो में इतने सारे चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो वो हम आपको बता दें धीरे धीरे। मैम, आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए और आप किस तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके सपनों की छलांग में। मेरे कैरेक्टर का नाम है सुमन यादव और ये खुद एक ग्रेजुएट है और इसकी भी इच्छा थी कि वो टीचर बने, लेकिन शादी के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, इतनी जिम्मेदारियाँ थी कि वो उसका जो उसकी जो चाहत थी टीचर बनने की वो सब इग्नोर हो गया। बच्चे हुए, अब उसकी बेटी इतना पढ़ गई है और वो अपने आप को अपनी बेटी में भी देखती है और देखती है कि वो भी बढ़ना चाहती है, अपने सपने उसके ऊपर थोपना नहीं चाहती, बट उसकी बेटी के खुद के सपने हैं जिसमें वो उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ खड़ी है और वो चाहती है कि वो आगे बढ़े और जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ ना हो, तो वो कॉन्स्टेंट सपोर्ट है राधिका के लिए। सर, आपके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संजीव जोटंगिया है और इस शो में मैं राधेश्याम यादव का किरदार निभा रहा हूँ। तो राधेश्याम यादव जो है एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, झांसी से, और वो एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। उनके बड़े भाई हैं, भाभी है, उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं दो, जो बड़ी बेटी है हमारी। तो मेरा जो किरदार है वो कहीं ना कहीं एक फैमिली कंडीशनिंग, पैट्रियार्की, इस माहौल से आया हुआ है। तो उसके कुछ एक फिक्स्ड आइडियाज़ हैं कि बेटे में और बेटी में क्या फ़र्क होता है। एट द सेम टाइम ये राधेश्याम अपनी बेटी को लेकर बहुत प्राउड है कि उसकी बेटी एकेडमिक्स में हमेशा आगे रही है, तो बहुत अपनी बेटी को मानता भी है और उसको पुश करता है पढ़ाई के लिए। लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं एक सेट माइंडसेट होता है हर लड़की के पिता का कि अल्टीमेटली लड़की ने तो शादी करके अपने घर जाना है। तो जब यहाँ पर एक कश्मकश आती है कि इसे अपॉर्चुनिटी मिलती है बॉम्बे जाने की, तो फिर इस फादर का जो स्टैंड होता है, दोनों तरफ जो बैलेंस होता है, उसकी स्ट्रगल, उसका दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। आप बताइए मेघा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट करने में? बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है शूट करने में। एक्चुअली मेरे लिए तो कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारा शूट करने का फॉर्मेट सब कुछ यूजुअल से काफ़ी अलग है। हम एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं शूट करने में, हम रियल लोकेशंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि शायद आपने प्रोमो में भी देखा होगा हमने एक्चुअली लोकल ट्रेन्स का इस्तेमाल किया है। CST में जाके हमने जो मेन लाइन ट्रेन है उसका भी इस्तेमाल किया है। तो ये सारा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर भी आपको बहुत हेल्प करता है, विजुअली भी एक एनहांस करता है कॉन्टेंट को, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सिर्फ स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो बहुत ही यूनिक है। हर एक सीन पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि अरे ये तुम्हारे साथ हुआ है, हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि वो कितना रिलेटेबल है, हम हंस जाते हैं पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें, क्योंकि ये शायद ये चीज़ें वो चीज़ें जो घर पे होती हैं कभी कभी और हम आपस में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसे पर्दे पर लाना, सामने लाना ऑडियंस के बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। उसके अलावा हमारी पूरी यूनिट बहुत मेहनती है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मज़े भी करते हैं और सबका प्रायोरिटी एक ही है कि अपना बेस्ट देना और इस शो को एक अलग लेवल पे ले जाना। तो राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम सब एक ही यूनिजन में काम कर रहे हैं। तो हर रोज़ सेट पे आके ऐसा लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम एक नई जिंदगी जी रहे हैं, एक अलग कैरेक्टर की लाइफ जी रहे हैं और वो परफॉर्मेंस पे भी आके एनहांस कर रहा है हम सब के। इवन फॉर डायरेक्शन, जैसे बाकी हम शोज में एक जगह खड़े हो जाते हैं, यहाँ हम सिर्फ मूविंग है। अगर किचन में काम कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं तो चलते चलते बात कर रहे हैं,
तो कैमरा एक जगह पे नहीं है या हमारी मूवमेंट एक जगह पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. जैसे हम घर में बात करते हैं, हाँ बेटा वो कर लेना, बेटा नहा लो जाके, तो ये चलते फिरते चलता है. तो ऐसा लगता है बहुत हम एक नई जिंदगी जी तो रहे हैं झांसी की, बट बहुत ये सब हम करते आए हैं. जो हम करते आए हैं वही हम दिखा रहे हैं. इट्स लाइक एक इंसान के घर में आप घुस गए और कैमरा हर जगह आपको फॉलो कर रहा है. आई थिंक वही फॉर्मेट है शो का. स्लाइस ऑफ लाइफ. बहुत सारे बहुत सारे. तो अलग अलग स्पेस है. राधिका का अपनी मम्मी के साथ जो इक्वेशन है वो बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं. वो कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है उन लोगों के बीच. मम्मी और राधिका एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं. और पापा के साथ जो राधिका का इक्वेशन है वो प्यार बहुत है, लेकिन वो एक रिजर्वेशन के साथ है कि एक रिस्पेक्ट होता है जो फादर के लिए, वो एक डिस्टेंस है ओवरऑल. लेकिन दोनों के तरफ से वो एक प्यार वाला एस्पेक्ट, और सिर्फ इन दोनों की तरफ से नहीं, फैमिली में जितने भी लोग हैं हमारी, जैसे कि इन्होंने कहा एक जॉइंट फैमिली है, वो सब लोग इतने आपस में घुल मिल के रहते हैं, इतना प्यार है सबके बीच में, बहुत खूबसूरत है वो. और सीन्स की बात करें तो हमारे खास करके सारे इम्पोर्टेंट जो मेन कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो परिवार से दूर छत पे होते हैं. अकेले तो हम प्लानिंग करते हैं बहुत सारी. वहाँ ये दोनों मिलके प्लानिंग करते हैं कि राधे शाम को कैसे आटे में लिया जाए. तो ये हमारी जो भी सीक्वेंसेस है वो छत पे होती है. और पापा के साथ, पापा के कमरे में, या मोस्टली पापा से जो बात कहनी होती है वो बाकी के परिवार वालों से भी कहनी होती है. तो डाइनिंग टेबल एक पॉइंट होता है जहाँ राधिका छोटे छोटे बॉम्ब ड्रॉप करती है बीच बीच में, आके मुंबई जाना है या फिर यहाँ कंपनी में काम मिली है. लेकिन आई थिंक हमारे मम्मी का और मेरा, आई थिंक वो हमेशा वो हमारा मेमोरेबल सीन वही है. बहुत सारे रहते हैं जिसमें हमारे एक दूसरे को मोटिवेट करने के भी. करेक्ट. आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में ही आप एक बहुत प्यारा सीन आएगा जिसमें मम्मी और मैं छत पर बात कर रहे हैं, और वो प्रेमाइज सेट करेगा पूरे शो का, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि राधिका इस जर्नी पे क्यों जाना चाहती है और मम्मी उसे कैसे सपोर्ट कर रही है थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग. वो एक सीन है जिसमें पूरा हम कवर अप करते हैं कि एक्चुअली जर्नी कैसे रही है. और पापा के साथ आई थिंक जब मैं आपके रूम में आके पहली बार आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मुंबई जानी है, तो ये भी जो पॉइंट्स बोल रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट्स बोल रहे हैं. और राधिका मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि जब मैं अपनी स्ट्रगल को कंपेयर कर रही हूँ पापा के साथ, तो वो बता रहे हैं कि उनके लिए कैसा वो अलग था और लिए कैसे अलग हो सकता है. और वो एक बड़ी, वो भी एक बहुत प्यारा सीन है जो वो सेकंड एपिसोड में वो सीन है. यस यस, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन. आप टीम को कपड़ों के चलान का बहुत बहुत बधाई है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच.